कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फेस्टिव सीजन चल रहा है, सभी लोग अपने अपने घरों में दिवाली की तैयारी में लगे होंगे। दशहरा बीत चुका है और अब दीपावली का आगमन होने ही वाला है। तो मैं तो भाई अपने घर अपने गार्डन को सजाने में लगी हुई थी। आज 10 दिन हो गए हैं तो मैं अपने टेरेस गार्डन में लगी हुई थी, तो मैंने सोचा कि आपको अपना टेरेस गार्डन दिखाऊं कि मैंने क्या क्या चेंज किए हैं, क्योंकि समय समय पर मैं कुछ ना कुछ चेंज करती रहती हूँ। ये मेरा बालकनी गार्डन है, छोटा सा, कई बार मैंने शेयर किया हुआ है। तो कुछ चीज़ें मैंने यहाँ नई ऐड की हैं, जैसे कि इस तरीके के लकड़ी के लोग लगा करके मैंने उसमें प्लास्टिक के प्लांटर्स बनाए हैं, ये कंटेनर्स होते हैं प्लास्टिक के। और इसी तरीके से यहाँ भी मैंने कुछ प्लास्टिक के कंटेनर्स में प्लांटर्स बनाए हैं। तो ये तो बालकनी गार्डन की बात हुई, तो मैं आपको ले चलती हूँ अपने टेरेस पर और दिखाती हूँ कि मैंने टेरेस पर क्या क्या चेंज किया है अपने गार्डन में। लेकिन आपको कमेंट्स में बताना है कि आपको मेरा गार्डन कैसा लग रहा है। तो चलिए चलते हैं अपने टेरेस पर। तो दोस्तों, मैं अपने टेरेस पर आ गई हूँ और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो मैं सोचती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो ये है मेरा टेरेस गार्डन। और मैं आपको बता दूँ कि मैंने क्या क्या काम इसमें करवाया है। तो सबसे पहले तो मेरे जो गमले थे वो बहुत गंदे हो रहे थे, उनको दोस्तों मैंने पेंट करवाया है। और ये जो मेरे स्टैंड थे काफ़ी रस्टेड हो गए थे, जंग लग गई थी, तो इनको भी मैंने करवाया। तो इस काम को करने में उन्होंने 1 हफ्ता लगा दिया, और साथ में थोड़ी सी वॉल्स भी मैंने पेंट करवाई। इनको मैंने ग्रीन कलर का लुक दिया है, थोड़ी सी जो वॉल्स को मैंने किया है करवाया है ये पेंट ग्रीन कलर का। और इस तरीके का मैंने अरेंजमेंट किया है। और थोड़ा सा चेंज मैं आपको बताती हूँ क्या किया है। तो मैं इस कॉर्नर से शुरू करती हूँ। यहाँ पर देखिए बुद्धा की मूर्ति रखी हुई है, तो पहले ये दूसरी तरफ थी, इसको मैंने यहाँ रख दिया है। और यहाँ पर मैंने ये सब अपने DIY बनाए हैं, सब प्लास्टिक के प्लांटर्स हैं, कुछ ये सी शेल्स और कार्डबोर्ड और आर्टिफिशियल प्लांट से मैंने इस तरीके से डेकोरेट किया है। और यहाँ पर जो सिरका की बोतल्स होती हैं उनको इस तरीके से एक पाइप में लगा दिया है। और ये मेरे कुछ प्लांटर्स हैं जो मैंने अभी नए बनाए हैं। ये बताएं आपको कैसे लग रहे हैं, ये फूड कंटेनर्स होते हैं दोस्तों। और इसी तरीके से ये फिनाइल की बोतल का मैंने बनाया है, और भी काफ़ी सारे मैंने बनाए हैं जो कि मैंने बालकनी में रखे हैं। बाकी यहाँ पर इस तरीके के प्लांटर्स मैंने कुछ वहाँ रखे हुए हैं, और ये जो मुंडी हिलाते हुए प्लांटर्स हैं ये मेरे पुराने हैं। ये दोनों मैंने जो बनाए थे आपके साथ पहले शेयर किए थे, तो ये सब पुराने हैं। अब यहाँ पर मैंने सारे प्लांट्स यहाँ रख दिए हैं। प्लांट्स मैंने कोई नया नहीं ऐड किया है, सब पुराने हैं। और आप लोग जानते ही हैं दोस्तों कितना मुश्किल काम होता है गार्डन को अरेंज करना। मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, और इस एज में अब इतना काम होता भी नहीं है, फिर भी मैंने किया और आप लोगों के लिए वीडियो बनाई। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो दोस्तों, ये मेरे कंटेनर्स खाली हुए थे, ये देखिए मेरा रोकी, ये मेरे साथ साथ आ जाता है गार्डन में। रोकी हेलो करो सबसे, रोकी हेलो करो, हेलो। तो ये अपने काम में मस्त है। तो दोस्तों, मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पर मैंने कल ही कुछ सीड लगाए हैं, जिसमें पालक, धनिया आदि के सीड लगाए हैं, बीट रूट, और ये सब मेरे हल्दी के प्लांट्स मैंने एक साइड में अब रख दिए हैं। यहाँ पर ये देखिए हल्दी के प्लांट्स अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, यहाँ पर हल्दी के प्लांट्स हैं। और यहाँ पर मैंने मिंट, मेरा पुराना चल रहा है, ये मिंट मेरा चल रहा है। और मनी प्लांट को भी मैंने बदल दिया है, इसकी जगह मैंने चेंज कर दी है। यहाँ पर देखिए ये मनी प्लांट है, और ये भी मैंने पुराना बनाया था DIY, एक सी PVC पाइप लकड़ी के टुकड़े पर मैंने इस तरीके से 5 प्लांटर रखे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्दी के प्लांट्स
फिर से आपको नजर आ रहे होंगे, जो कि काफी बड़े हो गए हैं। और इस कॉर्नर को मैंने इस तरीके से सजाया है अपने टेरेस पर। तो ये देखिए, ये भी प्लांटर है जो कि फूड कंटेनर से बनाए हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक के कंटेनर्स में प्लांट्स नहीं चलते हैं, बहुत अच्छे चलते हैं। तो आप लोग भी यदि गमलों की कमी से परेशान हैं, तो इस तरीके के प्लांटर्स बनाएं और अपने गार्डन को डेकोरेट करें। तो इस तरीके से दोस्तों, इधर देखते हैं आप, तो इस तरफ मेरी ये अंगूर की बेल है जो बहुत अच्छी चल रही है। और आपको याद होगा, जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, यहाँ पर मेरी स्वीट पोटैटो वाइन थी जो बहुत ही सुंदर लगती थी और मेरी फेवरेट थी। तो अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब पेंटर्स लगे हुए थे तो उन्होंने बहुत ही जल्दबाजी में हटाई, हालांकि मैं उनके साथ में खड़ी रहती थी, फिर भी बड़ी बेदर्दी से वो लोग हटाते हैं। मुझे बड़ा दुख हो रहा था। और मेरी स्वीट पोटैटो वाइन थोड़ी सी खराब हो गई है और उसको अब मैंने नई जगह दी है। ये मैंने आज ही सही की है। इस कॉर्नर में मैंने अपनी स्वीट पोटैटो वाइन लगा दी है, लेकिन अब ये पहले जैसे नजर नहीं आ रही है। मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मैंने कई जगह कटिंग लगा दी है जहाँ पर अच्छे से ये स्वीट पोटैटो वाइन मेरी चल रही है। तो और भी कई जगह मैंने लगाई हुई हैं। और यहाँ पर सारे मेरे इंडोर प्लांट्स हैं। यहाँ पर ये कैना लिली और ये लेमन ग्रास, इधर देखिए लेमन ग्रास है ये, या अरेका पाम और क्रिसमस ट्री, और ये इस तरीके से ये पोनीटेल पाम। आप देख सकते हैं पोनीटेल पाम मेरा पीछे पीछे रहता था, अब मैंने इसको बिल्कुल फ्रंट में रखा है। तो इसका कोडक आप देख सकते हैं, ये कोडक इसका जितना मोटा होता जाएगा और ये खूबसूरत लगता है। तो ये काफ़ी पुराना हो गया है। इसी तरीके से ये बरगद का है, बरगद का पेड़ भी अभी मैं इस पर काम नहीं कर पा रही हूँ, टाइम मिलने पर करूँगी। और डेफन बेकिया और ये फिनिक्स पाम, तो ये सब मेरे पुराने चल रहे हैं दोस्तों। यहाँ सब स्पाइडर प्लांट रखे हुए हैं, यहाँ सारे मैंने स्पाइडर प्लांट और लिपस्टिक एग्लोनीमा अरेलिया ये सब रखे हुए हैं। और इधर पीपल की बोनसाई बन रही है, यहाँ पर क्रोटन और यहाँ अगेब और यहाँ पर रबर प्लांट। रबर प्लांट कटिंग से बहुत जल्दी आसानी से ग्रो होता है, मैं 2-3 प्लांट्स इसके बना चुकी हूँ। और एलिफेंट बुश का मैंने, एलिफेंट ईयर का मैंने नया खरीदा है। और ये मेरा पान का प्लांट है, ये देखिए दोस्तों, पान का प्लांट मेरा काफ़ी अच्छा चल रहा है। और अब ये नई नई लीव्स इसमें दिख रही होंगी आपको, और ये ऊपर जो है बढ़ रहा, ऊपर की तरफ ग्रो हो रहा है। और इसी तरीके से अगर मैं केयर करूँगी तो अच्छे से ये ग्रो होगा। और यहाँ पर देखिए, मैंने एक प्लास्टिक की बोतल से फिश प्लांटर बनाया है, ये फिश प्लांटर है। और इसी तरीके से ये वांडरिंग जीव को भी मैंने एक डेकोरेट किया है पुराने से बेकार पड़े हुए स्टैंड के ऊपर, जिसको मैं ऊपर चढ़ा रही हूँ और ये अच्छे से चढ़ जाएगा। और यहाँ पर देखिए अपराजिता, तो अपराजिता में फूल इस समय बहुत अच्छे आ रहे हैं। इस समय शाम का समय है, फिर भी फूल देखिए काफ़ी खिले हुए हैं, ऊपर भी हैं और इस तरफ भी देखिए। ये मेरी आर्क शेप में अपराजिता है, जो कि शेप इसकी अभी सही नहीं कर पाई हूँ मैं, तो सही करूँगी, लेकिन फूल इसका बहुत सुंदर आता है। तो आप फूल देखिएगा, डबल पेटल का फूल इसमें अच्छे से आ रहा है। और यहाँ पर ये चाइनीज़ एवरग्रीन। तो अब मैं आपको लेकर चलती हूँ अपने गार्डन की दूसरी साइड में, जहाँ पर मैंने कुछ सब्जियों के और कुछ फ्रूट प्लांट्स लगाए हुए हैं, तो वो आपको दिखाऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहें और बताएं कि आपको मेरा गार्डन कैसा लगा। तो दोस्तों, ये देखिए नागचंपा, तो नागचंपा में अच्छे खासी फ्लावरिंग हो रही है, गुच्छों में फूल आ रहे हैं। तो मेरे चारों कॉर्नर में लगे हुए हैं, उसमें बहुत सुंदर फूल हैं, लेकिन अब कुछ ही दिनों में इसमें इसका रेस्ट टाइम आ जाएगा, ये डोरबेंसी में चले जाएंगे और काफ़ी इसके पत्ते जो हैं पीले पड़ने लगे हैं। तो अभी तो कुछ टाइम तक देंगे। ये सब तुलसी के प्लांट्स हैं मेरे। यहाँ पर मनीहट, जो कि बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, मुझे यह भी बहुत सुंदर लगता है। और ये नागचंपा, इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं नागचंपा में बेशुमार फूल खिल रहे हैं, काफ़ी सारे फूल यहाँ पर खिले हुए हैं और चारों तरफ फूलों ही फूल नज़र आ रहे हैं इसमें, गुच्छों में। और यहाँ पर ये है फिश टेल पाम, और ऊपर आप देख सकते हैं मैंने हैंगिंग लगाई हुई है, जिसमें जेट प्लांट, बास्केट प्लांट, अजवाइन
और स्वीट पोटैटो वाइन की हैंगिंग बास्केट मैंने बनाई हुई है, और यहाँ पर सब जेड का कलेक्शन मैंने यहाँ रख दिया है। ये एक थोड़ा सा मैंने काफ़ी परिवर्तन किया है, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, हम लोग कुछ ना कुछ चेंज करते ही रहते हैं। तो जेड प्लांट जितने भी मेरे थे, जितनी टोपियारीस बोनसाई, सबको मैंने यहाँ पर रख दिया है। काफ़ी सारी शेप बिगड़ गई हैं क्योंकि मुझे समय नहीं मिल पा रहा है, समय मिलने पर मैं सही करूँगी। ये देखिए, ये है टॉवर शेप की टोपियारी जो कि काफ़ी बड़ी हो गई है, इसको मुझे सही करना है। और इसके साथ साथ ये आर्क शेप में है, हार्ट शेप में टोपियारीस हैं, और बहुत सारी टोपियारीस यहाँ पर आपको दिख रही हैं। दोस्तों आप लोग बने रहिए वीडियो में, अभी एक साइड रह गई है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पहले आप ये मेरी जेड प्लांट्स की हैंगिंग बास्केट देखिएगा, जो चार बास्केट मैंने यहाँ बनाई हैं और एक बास्केट मेरी उधर है। अब यहाँ पर सारे ग्रो बैग और कुछ गमलों में प्लांट्स लगे हुए हैं, जिसमें ये शैतूत का प्लांट है, और ये मुसेंडा फ्लावरिंग प्लांट है, इधर बैंगन के प्लांट हैं। बैंगन में काफ़ी सारे हार्वेस्ट कर चुकी हूँ, अब दोबारा से इसमें बैंगन आने लगे हैं, तो अभी छोटा सा ही है और बैंगन अब इसमें आएंगे, फ्लावरिंग इसमें चल रही है। और मोरिंगा का प्लांट मैंने इधर रख दिया है, पहले दूसरी साइड में था। उधर अमरूद का प्लांट है जिसमें फिर से अमरूद बनने लगे हैं, एक बार हार्वेस्ट कर चुके हैं। वो पीछे नींबू का प्लांट है, और नारंगी का प्लांट है, इधर फिर बैंगन का प्लांट है, और इस तरीके से नीचे कुछ फ्लावरिंग प्लांट हैं। ये गुड़हल के हैं, देखिए गुड़हल में काफ़ी सारी कलियाँ बनी हुई हैं, ये देसी गुड़हल है, और बहुत सारे फ्लावर इसमें आते हैं, भर भर के फूल इसमें आते हैं, लेकिन पत्तियाँ कभी कभी पीली हो जाती हैं। और ये भी कोई येलो फ्लावर वाला प्लांट है, ये सारे फ्लावरिंग प्लांट हैं। ये कचनार के प्लांट को मैंने उधर रख दिया है, तो ये मिर्च के प्लांट हैं, और ऊपर आप देख सकते हैं कनेर काफ़ी लंबा हो रहा है, जो कि कटिंग से ग्रो किया है। और यहाँ पर ये मैं नया लाई थी, तो कुछ इसमें कमरख जिसको स्टार फ्रूट कहते हैं उसका प्लांट है, और एक इसमें चेरी का प्लांट भी है। इसके साथ साथ आप मेरा नीम का प्लांट देखिए किस कदर ग्रो कर रहा है, काफ़ी हाइट इसने ले ली है, और बहुत खुशी हो रही है, काफ़ी अच्छे से ये चल रहा है। और यहाँ पर ये कोलियस का और मदर प्लांट है, ये जेड का मेरा, इसी से लेकर के मैं कटिंग्स वगैरह बनाती रहती हूँ। और यहाँ पर गुलाब के प्लांट हैं, गुलाबार्ड, ये बोगेनविला, और ये भी फ्लावरिंग प्लांट है, देखिए इसमें भी फूल इस तरीके के आते हैं, पर्पल कलर के फूल इसमें आते हैं। और मिर्च के प्लांट लगे हुए हैं, यहाँ पर मैंने कोलियस का एक कॉर्नर बनाया है, ये मैंने नया लुक दिया है, तो इस तरीके से देखिए आप देख सकते हैं कोलियस, तो कोलियस को मैंने एक अलग से कॉर्नर में डेकोरेट किया है। और अभी मैं चाहती हूँ कि और भी कोलियस के मैं ऐड करूँ, अभी कुछ दिनों में मैं कोलियस के कुछ प्लांट्स और ऐड करूँगी। और यहाँ पर ये देखिए क्रीपिंग चार्ली, जो देखने में बहुत खूबसूरत लगती है, तो इस तरीके से ये देखिए कैना लिली को मैंने कटिंग से बनाया हुआ है। और इधर आप देखेंगे तो मनी प्लांट को मैंने फिर से लगा दिया है, मनी प्लांट दोनों साइडों में, इधर भी और उधर भी। और यहाँ पर स्वीट पोटैटो वाइन की कटिंग मैंने लगा दी है, और ये अब अच्छे से दूसरी तरफ भी मेरी चल जाएगी। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा ट्रे गार्डन बनाया हुआ है, और भी मैंने बनाए हुए हैं, लेकिन अभी उनको मैं ठीक से तैयार नहीं कर पाई हूँ, और तैयार होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। तो दोस्तों ये था मेरा आज का टेरेस का टूर, और थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, तो आप बताएं आपको मेरा ये गार्डन का ओवरव्यू कैसा लगा, और जो मैंने इसमें चेंज किया है वो कैसा लगा। मुझे तो बहुत खाली खाली लग रहा है, आप बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। पहले काफ़ी भरा हुआ रहता था, अब मैंने कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट किया है, ये थोड़ा खाली खाली नज़र आ रहा है, और देखने में तो बेहद सुंदर लग रहा है। मुझे तो सबको अपना गार्डन अच्छा लगता है, चाहे कैसा भी हो, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ती है, ये तो सभी गार्डनर लोग जानते होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट भी करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।